झांसी में राज्य कर विभाग ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से टैक्स में बड़ी गड़बड़ी पकड़ी है। यहां करीब 5000 व्यापारी 6 साल पहले जो टैक्स अदा करते हैं, अब वो पहले से बहुत कम टैक्स दे रहे हैं। इन सभी व्यापारियों को नोटिस जारी कर 6 साल पहले दाखिल किए गए रिटर्न का हिसाब मांगा गया है। साथ ही कारोबारियों को ब्याज और जुर्माने के साथ बकाया कर अदा करने की चेतावनी दी गई है। इस नोटिस के बाद झांसी के व्यापारियों में खलबली मची हुई है। आपको बताते चले कि जुलाई 2017 में जीएसटी लागू हो गया। इससे पहले हर महीने फॉर्म 24 पर खरीद बिक्री का ब्यौरा विभाग के पास जमा होता था, जबकि टैक्स चालान के जरिए बैंक में जमा किया जाता था। जीएसटी लागू होने के बाद व्यवस्था ऑनलाइन कर दी गई। इससे रिटर्न दाखिल करने में व्यापारियों से तमाम गड़बड़ियां हो गई। वहीं अपर आयुक्त राज्य कर धीरेंद्र प्रताप ने बताया कि झांसी जिले में 2000 व झांसी जोन में 5000 व्यापारियों सहित अन्य व्यापारियों को नोटिस भेजे गए हैं। जीएसटी डिपार्टमेंट में झांसी जोन में एआई मॉड्यूल के बेसिस पर तथा व्यापारियों के जो डेटा उपलब्ध हैं उसके आधार पर मैच कराते हुए नोटिस जारी की गई हैं, जिसमें से झांसी जनपद के लिए अब फर्दर एक्शन के लिए जो नोटिसें जारी की गई हैं उसमें से 2039 नोटिसें जारी की गई हैं, और जालौन के लिए 777 और ललितपुर के लिए 507 नोटिसें जारी की गई हैं। इस प्रकार झांसी रेंज के लिए 3323 नोटिसें जारी की गई हैं। बाकी झांसी जोन में बांदा रेंज भी आता है, तो बांदा रेंज के 4 जनपदों को मिला करके लगभग 2300 के आसपास नोटिसें जारी की गई हैं। इस बार पूरे झांसी रेंज में जोन में 5000 प्लस नोटिसें जारी की गई हैं, और इनका जवाब आ जाएगा तो जो जवाब के अनुसार उनका जो स्पष्टीकरण होगा उसके आधार पर संबंधित कर निर्धारण अधिकारी प्रॉपर ऑफिसर जिनको कहते हैं वो निर्णय लेंगे। ये जो नोटिसें जारी की गई हैं ये सिस्टम पर उपलब्ध डेटा के आधार पर जारी की गई हैं। जो भी नोटिसें जारी की गई हैं उनका उपयुक्त उत्तर जो है वो ऑनलाइन ही दाखिल कर सकते हैं, और इसमें किसी को कार्यालय आने की आवश्यकता नहीं है। ऑनलाइन जवाब से संतुष्टि मिलने के बाद प्रॉपर ऑफिसर उस पर कार्रवाई करेंगे। इसमें हम लोग यह सुनिश्चित करेंगे कि विभाग के स्तर पर या विभाग में किसी भी व्यापारी का उत्पीड़न न होने पाए, और यदि कोई बीच में उत्पीड़न करता है तो उसकी सूचना हम लोगों को प्राप्त होगी, तो उसके विरुद्ध हम लोग कार्रवाई करेंगे। झांसी से रवि परिहार की रिपोर्ट।